गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं आई हूँ मीरा रोड और एक स्टूडियो पे एक सेट पे एक मदर के कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए। अचानक से मुझे बुलावा आया, कॉल आया एंड मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आ जाइए, कल से शूट स्टार्ट होगा। तो मैं स्क्रिप्ट मुझे रास्ते में दिया गया है, ऑलमोस्ट मैंने स्क्रिप्ट कर लिया है। फिंगर क्रॉस में तैयार होती हूँ, मैं अपना भी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो होगा जैसे होगा मैं आपको बताऊँगी। एटलीस्ट ऑडिशन के लुक का मैं देखूँगी, जैसे भी जो भी होगा। एंड अब मेरा सिलेक्शन होगा तो ही ये वीडियो को मैं कंटिन्यू करके फिर मैं पोस्ट करूँगी। अदरवाइज मैं नहीं डालना चाहूँगी, क्योंकि लोग तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, अच्छा ये वो फलाना ढिमका। और मैं आती हूँ, मुझे भूख लगी तो मैंने फटाफट सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ। स्टे ट्यून। मेरा मेकअप पूरा हो गया है, ये जो हालत है, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट माय फेस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कपड़े आ जाए और शूट दे दो। फ्रेंड्स मेरा हेयर भी हो गया है, हेयर दीदी आई और मेकअप भी करके चली गई। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई एम लविंग इट, आई एम एक्चुअली लविंग इट। ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। एक लुक का ऑडिशन हो चुका है मेरा, आपने मुँह देख लिया था, वो बहुत खाई गई हुआ। उसके बाद मैं ही अपना कॉस्ट्यूम लिख लगी हूँ, मैं चेंज करके रेडी हूँ। अब कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। यार बहुत लेट हो गया, मैं आई थी अराउंड 4 बजे मैं आई थी 3 बजे, इट्स 5:17 और ये बहुत अंदर है, बहुत अंदर, मतलब मीरा रोड के बहुत अंदर है। मुझे जाने में 2 घंटे लग जाएगा। अब देखती हूँ। अब दिक्कत ये है कि अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाता है
तो वर्सोवा से यहाँ आना और बोलते हैं कि यहाँ पे 10 बजे का पैकअप होता है, जाने में 2 घंटा लग जाएगा, आने में 2 घंटा। मेहनत करना पड़ेगा। Let's see. Stay tuned. जैसा होगा जो होगा मैं आपको बता दूंगी। Stay tuned. तो फ्रेंड्स मैंने अपना ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन देने के बाद मैं फटाफट निकली हूँ और तुरंत का सर मुझे सोने के आगे आगे रास्ते खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत रेन आउट फील हो रहा है, मेरे कंधे पे दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन के पास पेन हो रहा है। देखते हैं मुझे घर जाते हुए बहुत सारा काम करना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का एम्बुलेंस नहीं है, अगर शुरू करने ही होता है तो घर जाना मुझे महसूस के लिए कुछ बना दूँ सरप्राइज दे, और अभी नहीं बोल रही, पता चला बाद में बना पाई तो। एक्चुअली मेरा प्लान ही वही था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बना के लेकर जाऊँ, और कल मैं क्योंकि मम्मी को बाहर जाके खाना खाना था, मेरे भाई को भी मन था बाहर जाके खाने का, ये लोग ज़्यादा बाहर उठते हैं बट मुझे घर में खाने को मिलते हैं, मैं हमेशा आउट हूँ या ट्रैवलिंग करते रहती हूँ, बाहर का ही खाना होता है तो मुझे घर का खाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं खुद बनाती हूँ और उन लोगों को जाती हूँ, तो उन लोगों के लिए चीज़ जो टेस्ट भी हो जाएगा मेरे हाथ का खा भी लेते हैं। सो फ्रेंड्स मुझे अभी कॉल आया कि मेरा ऑडिशन चैनल में जा चुका है, टोटल 5 या 6 जन थे और उनमें से 3 जन को ऑडिशन सिलेक्ट होके गए जिसमें मेरा भी है, बट फिंगर क्रॉस, कल मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी है तो मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो उनको मैंने बताया नहीं है, अगर मेरा ऑडिशन क्लियर हो जाता है तो कल मैं शूट करूँगी, और अगर शूट नहीं करती हूँ तो कल मैं मम्मी पापा के साथ उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दूध उबालने दे दिया है, मेरा दूध उबल चुका है, मतलब दूध जो बिठाया था उबल चुका है, तो उसके ऊपर मैंने केसर डाल दिया है क्योंकि मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और चीनी डाल दिया है, वहाँ पे मैं चिकन बॉयल होने के लिए डाल दिया है क्योंकि इसको मैं मिक्स करके फ्रीज़र में डाल दूँगी ताकि कल सुबह निकलने के टाइम में मैं पका सकूँ। एंड माई प्लानिंग इज़ कि कल सुबह मैं मटन जल्दी ख़रीद लूँ और ख़रीद के बना लूँ। अब लेट्स सी अगर आज रात तक पता चल जाता है कि मेरा क्या होता है क्या नहीं होता है, बट उससे पहले मैं बना लूँगी, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है स्टिल मुँह मीठा हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो मेरी पूरी फैमिली का मुँह मीठा हो जाएगा। ठीक है आपको बताती रहूँगी, स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स एज यूजुअल चैनल ने अपने तरफ से किसी को प्रेफरेंस दे दिया है तो वो सिलेक्ट हुई है, या उन्होंने कहा कि कल आप शूट कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो जिनको भेजा उनमें से होगा, जो भी है मैं खुश हूँ कि मैं अपने फैमिली के पास जाऊँगी, मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी, मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया। अब यही होता है चैनल वालों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता नहीं चलता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्टे ट्यून्ड। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।